आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, एक से दो किया, अब दो के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर प्लस 2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है ये, तो प्रजनन दर को कम करने के लिए बिहार में कितना ज्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उसे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत, जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन, और इसमें